सो दोस्तों, अगर आपकी भी फेसबुक प्रोफाइल के अंदर इस तरीके से येलो कलर की वार्निंग स्ट्राइक आ चुकी है, तो इस स्ट्राइक को आप किस तरीके से रिमूव करोगे, इसका कितना टाइम पीरियड होता है, ये कैसे हमें मिल जाती है और इसका हमारे चैनल के अंदर या हमारी प्रोफाइल के अंदर या पेज के अंदर क्या इफेक्ट पड़ने वाला, आज की वीडियो में आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कि ये स्ट्राइक आखिर मिलती क्यों है, किस तरीके से रिमूव करोगे, कितना टाइम पीरियड के अंदर यानी कितने टाइम के बाद ये खुद ऑटोमेटिकली हटा दी जाती है। आज मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक कंप्लीट आपको वॉच करना है। अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए, फेसबुक के अंदर हमें क्या होता है कि जैसे यूट्यूब है, एक यूट्यूब के अंदर हमें तीन हमें कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक फॉलो करनी होती है। अगर हमारे चैनल के अंदर पहली कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लग जाती है, उसके अंडर में यानी कि 90 दिन के अंदर में हमें दूसरी लगती है तो हमारी दो हो जाती है, और उसी 90 दिन के अंदर में अगर हमारी तीसरी लग जाती है तो हमारा यूट्यूब चैनल यूट्यूब के अंदर से टर्मिनेट हो जाता है। वही सेम कंडीशन फेसबुक के अंदर है। अगर आपको किसी भी तरीके की तीन बार अगर आपको 90 दिन के अंदर स्ट्राइक मिल जाती है यानी कि वार्निंग मिल जाती है और आप लगातार स्पैम करते रहते हैं अपनी फेसबुक प्रोफाइल से बनाए हुए किसी भी पेज के अंदर या फिर प्रोफाइल के अंदर, तब आपको भाई इस तरीके की वार्निंग स्ट्राइक का सामना करना पड़ेगा। अब इससे हमारे पेज के अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हमारे पेज के अंदर इससे सिर्फ एक इफेक्ट पड़ता है। वो इफेक्ट ये है कि हमारी जो प्रोफाइल है और जो हमारे उससे बनाए हुए पेज होते हैं, उन सारे पेजों के अंदर जो रिकमेंडेशन का सिस्टम होता है यानी कि आपका सिमिलर, मान लीजिए मैं टैग कैटेगरी का एक पेज है, अगर आपका पेज टैग कैटेगरी का, तो आपकी जो वीडियोस है वो उस कैटेगरी के अंदर रिकमेंडेड नहीं हो की जाएगी जो आपकी कैटेगरी है। तो यही नहीं कि हमारे पेज या प्रोफाइल पर यही इफेक्ट पड़ेगा कि हमारी वीडियो रिकमेंडेशन बंद कर दी जाएगी। दूसरा, यहाँ पर सवाल ये भी लोगों ने किया था कि भैया मेरा 6 मंथ से कम्युनिटी यानी कि मेरा 6 मंथ से फेसबुक प्रोफाइल का वार्निंग स्ट्राइक रिमूव नहीं हुआ है। तो मैं आपको बताऊँ वो 6 मंथ से क्यों नहीं रिमूव होता है। हम क्या गलती करते हैं कि देखो, तो हमें फेसबुक के अंदर वायलेशन का पता तो रहता है, बट हम लगातार उसमें स्पैमिंग करते रहते हैं, गलत एक्टिविटी स्पैम, गलत वीडियोज डालना, किसी के पोस्ट शेयर करना, गलत कमेंट, यहाँ तक अगर आप गलत कमेंट भी अपनी फेसबुक प्रोफाइल के बनाए हुए पेज से भी अगर आप करते हैं, तो आपको इस तरीके की वार्निंग स्ट्राइक हमेशा देखने के लिए मिलती है। अगर आपने 90 डेज के अंदर अगर इस तरीके की वार्निंग स्ट्राइक का सामना अगर 3 बार कर लिया, तो आपका जो प्रोफाइल है और प्रोफाइल से बनाए हुए जितने भी सारे पेज हैं वो सारे एक साथ ही रिमूव कर दिए जाएंगे। तो ध्यान रहे, आपको कभी भी जो भी अगर आपको जेन्युइन कंटेंट डालना या फिर आपकी फेसबुक प्रोफाइल से पैसे या पेज से पैसे कमाने, तो आपको हमेशा फेसबुक की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए कंटेंट शेयर करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो आपके डाउट थे, मैंने आपको क्लियर बता दिया। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि किस तरीके से हम अपने फेसबुक प्रोफाइल के एक टाइम यानी कि अपनी जो हमारी स्ट्राइक का टाइम होता है यानी कि हमारी जो वार्मिंग है उसका टाइम पीरियड होता है, उसे हम किस तरीके से देखते हैं, ये भी मैं आपको प्रूफ के साथ में दिखाऊं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर मोबाइल के स्क्रीन के अंदर लेके चलूंगा, वहां पर मैं आपको प्रॉपर समझाऊँ कितने टाइम में ये हटा दी जाती है। अगर इस दौरान अगर आप अंडर में एक और स्ट्राइक लगवा लेते हैं तो भैया इसका टाइम पीरियड आगे बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से बहुत से लोगों की 6-6 महीने तक स्ट्राइक नहीं हटती यानी कि वार्निंग फेसबुक वार्निंग नहीं हटती है। तो मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। अब यहाँ पर देखो, मुझे जो वार्निंग मिली थी मैंने उसका पूरा डेटा यहाँ पर आपको ओपन कर रखा है। अब यहाँ पर पूरे डेटे में ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कंटेंट अनेबल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा कंटेंट अनेबल, यहाँ पर लिख रहा है आपको दिस कंटेंट एक्सपायर टू हेल्प एडमिन मॉडरेटर देयर पोस्ट यानी कि पेज मोज वायलेशन कंटेंट इज विजिबल टू एडमिन फॉर अप टू 90 डेज यानी कि 90 दिन के अंदर ये मेरा खुद ऑटोमेटिकली ये हटा दिया जाएगा। यहीं पर आपको इसका एक टाइम भी दे रहा है, जब आपको जिस दिन ये मिल जाती है उसके हिसाब से ये कैलकुलेट करके आपको एक टाइम देता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है नोटिस विजिबल यूनिट सितंबर 2024 यानी कि सितंबर 2024 को ये मेरा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अगर अपनी जो प्रोफाइल है यानी कि अपनी जो प्रोफाइल के अंदर हमें वार्निंग मिलती है, उस वार्निंग को आप जिस भी पेज पर मिली है उस पेज के अंदर जाओगे और आप रिकमेंडेशन पर जाओगे तो आपको इस तरीके का पेज देखने के लिए मिलेगा। यहां पर आपको साफ साफ दिखाई देगा कि आपके पेज के अंदर जो वार्निंग है वो कब तक हटा ली जाएगी। अगर आप इस बीच में दूसरी स्ट्राइक लगा लेते हैं तब आपकी जो डेट है ये वाली 24 वाली ये बढ़ के लगभग 3 महीने
प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपने इस तीन महीने के बीच में दूसरी लगा ली तो ये तीन महीने फिर से दोबारा से प्लस हो जाएगी और यहाँ पर आपको आपकी जो कम्युनिटी है वो यहाँ पर डबल दिखाई देने लगेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये तो डाउट क्लियर हुआ होगा कि भाई हमारी जो फेसबुक के अंदर वार्निंग स्ट्राइक होती है ये हमें किस कैटेगरी से यानी किस हिसाब से दी जाती है और इसका कितना टाइम पीरियड होता है और इसे हम किस तरीके से देख सकते हैं कितना इसका टाइम पीरियड चल रहा है। तो फिलहाल अगर वीडियो में समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर ऐसे फेसबुक रिलेटिव सारे अपडेट और सारी नॉलेजेबल बातें हम शेयर करते रहते हैं। अगर आपका अभी कोई सवाल है फेसबुक वार्निंग स्ट्राइक को लेकर तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको प्रॉपर जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलता हूँ एक नई वीडियो में, नेटवर्क के साथ मिलता हूँ। ओके बाय, जय हिंद जय भारत।